हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू वही फिल्म है जिसे कैप्सूल गिल कहा गया था। ये फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जिंदगी पर आधारित होगी, जिसमें अक्षय कुमार जसवंत सिंह गिल के रोल में नजर आएंगे। तो द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है और अब ये फिल्म 5 अक्टूबर को रिलीज होगी। जी हाँ, अक्षय कुमार ने जवान और सालार को पूरी तरह से घेर लिया है। अब मैं कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे कि भाई तू अक्षय कुमार के बारे में इतना नेगेटिव क्यों बोलता है। भाई आप ही सोचो, 11 अगस्त को ओ माई गॉड 2 रिलीज होगी और उसके 20 दिन के बाद सुरराय पोत्रु का रिमेक रिलीज होगा और उसके 34 दिन के बाद द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रिलीज होगी। यानी कि अक्षय कुमार को भी पता है कि भाई उनकी फिल्में एक दो हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेंगी। अगर इन फिल्मों की रिलीज डेट चेंज नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी फिल्म 100 करोड़ भी पहुंच पाएगी। वैसे अभी के टाइम 100 करोड़ भी अक्षय कुमार के लिए काफी बड़ी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब ये मत कह देना कि भाई सच में अक्षय कुमार ने जवान और सालार को घेर लिया है। नितेश तिवारी के रामायण और यश को लेकर दो बड़े रूमर सामने आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऋतिक रोशन के मना करने के बाद यश को रावण का रोल ऑफर किया गया है, लेकिन खबरों की माने तो यश ने रावण के रोल को मना कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि अभी इस टाइम यश किसी भी फिल्म में नेगेटिव रोल नहीं करेंगे, फिर चाहे वो रावण का ही क्यों ना हो, और इसी वजह से उन्होंने नितेश तिवारी की इस फिल्म को मना कर दिया है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभी यश ने इस फिल्म को नहीं मना किया है और अभी भी यश और फिल्म के मेकर्स के बीच बातचीत चल रही है। तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि रावण का रोल कौन करता है। वैसे अभी आदिपुरुष रिलीज हो रही है तो अभी फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आदिपुरुष फिल्म के बाद ही इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। मानो या ना मानो, दंगल की तरह नितेश तिवारी की ये फिल्म भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। अभी आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज होगी आप मेरी बात को याद करेंगे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को राम और सीता के रोल में काफी टाइम तक याद किया जाएगा। एक और बड़ी खबर ये है कि वरुण धवन की आने वाली फिल्म बवाल अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। काफी अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी वरुण धवन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाती हैं। कलंक फ्लॉप हो गई थी, स्ट्रीट डांसर भी फ्लॉप हो गई थी, जुग जुग जी एवरेज गई थी, वहीं भेड़िया फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। तो यही सब देख के बवाल के मेकर्स को लग रहा है कि भाई थिएटर में रिलीज करना काफी रिस्क होगा और इसी वजह से अब वो इस फिल्म को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। सोचो, बवाल को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने दंगल और छिछोरी फिल्म को डायरेक्ट किया था, लेकिन फिर भी ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ये नितेश तिवारी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो नितेश तिवारी के करियर पर भी फ्लॉप का दाग लग जाता और इसे रामायण फिल्म पर काफी फर्क पड़ता। तो अच्छी बात है कि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। खबरों की माने तो बवाल फिल्म अक्टूबर के महीने में अमेज़न प्राइम पर रिलीज होगी। दृश्यम 3 के मलयालम और हिंदी वर्जन को एक साथ शूट किया जाएगा और ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होंगी। कहानी को स्पॉइल होने की वजह से दोनों फिल्मों को एक साथ रिलीज किया जाएगा। अभी डायरेक्टर जीतू जोसफ फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। दृश्यम 3 की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म भी 2024 में ही रिलीज होगी। फुकरे 3 की रिलीज डेट चेंज हो गई है और अब ये फिल्म दिसंबर 2023 में रिलीज होगी। पहले तो ये फिल्म 7 सितंबर को आने वाली थी, लेकिन जवान की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को चेंज कर दिया गया था और कहा गया था कि ये फिल्म अब 24 नवंबर को रिलीज होगी, लेकिन अब नवंबर नहीं बल्कि अब ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी। और विजय देवरकोंडा की 13वीं फिल्म को लॉन्च किया गया है। यहाँ इस फोटो में आप विजय देवरकोंडा के साथ डायरेक्टर परशुराम और मुनलाल ठाकुर को भी देख सकते हैं। डायरेक्टर परशुराम ने ही 2018 की सुपरहिट फिल्म गीता गोविंदम को डायरेक्ट किया था। तो परशुराम विजय देवरकोंडा की एक और फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मुनलाल ठाकुर फीमेल लीड रोल में नजर आएंगे। आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी और ये फिल्म भी 2024 में रिलीज होगी। जो अख्तर की आने वाली फिल्म दी आर्चीज की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। दी आर्चीज एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें सुहाना खान के साथ और भी कई नए कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो जो अख्तर की ये फिल्म 24 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। डिज्नी की काफी सारी फिल्मों की रिलीज डेट चेंज हुई है, जिस पर हमने एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अवतार 5 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।